Hello friends, welcome to my channel. So I'm Abhisha over here and happy Diwali to all of you. और अभी आप देख सकते हैं कि मैं रेडी हो गई हूँ और अभी आपको बहुत सारे पटाखों की आवाज़ आएगी क्योंकि सब लोग अभी पटाखे चला रहे हैं. मैं बस अभी अभी रेडी हुई हूँ. इससे पहले भी हमारा 8:17 हो रहा, मैं अभी अभी रेडी हुई हूँ. उसका रीज़न ये है कि मैं रंगोली बना रही थी इतने टाइम से, मतलब कि मैंने ना उसको दोपहर से ही बनाया था, फिर ना वो पूरा ख़राब हो गया. तो फिर वो तो मैंने ऐसे ही बनाया था. वो होता है ना एक नेट जैसा होता है, उसके बाद हम कलर डालते हैं, फिर स्प्रेड करते हैं, फिर उसको उठाते हैं तो शेप बनता है, उससे बनाया था मैंने. फिर वो मैंने पूरा हटा दिया एंड उसके बाद फिर मैंने अभी नेट से देख के एक पिकॉक बनाया था सुंदर सा, उस पर हैप्पी दिवाली लिखा था. और एक जो मैंने दोपहर को बनाया था वो अभी भी है, तो मैंने अपना पूरा टाइम वो पिकॉक बनाने में लगाया एंड इट्स लुकिंग रियली ब्यूटीफुल. एंड मैं अभी अभी रेडी हो गई जैसे कि आप देख सकते हैं. और मैंने इयर रिंग्स पहने हैं, बैंगल्स, और मैंने आज पहना है एक जैसे कि एक सूट पहना है मैंने आज. ये मैं दिल्ली से लेके आई थी एंड फिर इसमें मैंने एक ऑरेंज कलर की एंकल लेंथ की लेगिंग पहनी है एंड दिस ऑरेंज दुपट्टा एंड आई एम रेडी. और हमने अपना बालकनी में लाइट्स तो लगाए हैं और साथ में मैंने अपने रूम में भी लाइट्स लगाए हैं और पापा मम्मी के रूम में भी लाइट्स लगाए हैं. तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ. पहले मैं आपको दिखाऊंगी बालकनी के लाइट्स एंड प्लस रंगोली की. मैंने रंगोली वहीं पे बनाया है एंड इट्स वेरी प्रिटी, सो लेट मी शो इट टू यू. और मैंने इसे इसमें मैंने वैसे जो कलर्स थे, मतलब जो रंगोली कलर्स थे, वो मैंने कल ही खरीदे थे. तो बस मैं भी आपको दिखा देती हूँ. एक पिकॉक वाला है और एक और है. तो ये मैंने बनाया है, ये पूरा मैंने बनाया, किसी ने मुझे हेल्प नहीं किया. मींस मेरी मॉम वो खाना बना रही थी और थोड़ा रेडी भी हो रही थी और सब लोग भी रेडी हो रहे थे और देख रहे थे, तो फिर मैं बैठ के आराम से बना रही थी. और ये सब कुछ मैंने खुद किया एंड ये भी मैंने बनाया है. पर जो ये वाला है इसमें क्या कहते हैं, एक कार्डबोर्ड मिला था, वो पूरा उसको पहले मैंने रखा और उसमें फिर मैंने कलर्स डाले, फिर ऐसा बना था. और थोड़ा सा ख़राब हो गया था इस साइड से, तो मैंने इसे हैंड से कर दिया. और ये आप देख रहे होंगे कि ऊपर हमने एक कलरफुल लाइट्स लगाए हैं जिससे जो ये पूरा जो बैकग्राउंड है, ये देखिए पूरा ये ऐसे कलर्स ऐसे पूरे यहाँ पे हो रहे हैं. तो इसमें ग्रीन, रेड और ब्लू है एंड फिर यहाँ पे हमने पूरे लाइट्स लगाए हैं. टॉप पे ग्रीन है एंड ये वाइट है, ब्लू है पूरा ऐसे ही एंड इस साइड पूरा ब्लू है एंड देन सेकेंड पार्ट पे. एंड आप इग्नोर करेंगे इन पटाखों की आवाज़ को और होप आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही हो. एंड नीचे हमने पूरा ग्रीन किया है एंड यहाँ पे एक ट्यूब लाइट लगवाई है, वो बाहर से लगाइए तो वो बाहर से दिखेगा. एंड आपको यहाँ पे नेट भी लगा दिखेगा. ये नेट तो मैंने आपको पहले बताया था कि हमने लगाया है ये नेट क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मक्खियाँ होती हैं, तो उसके ऊपर ही हमने लगा दिया. पर जब हम बाहर से देखते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है. और लुक एट दिस बिल्डिंग, इसमें इतने सारे लोगों ने लाइट्स तो लगवाया पर ये जो दिया लगाया उन्होंने, ये मुझे बहुत पसंद आया. मीन्स आई लव इट बिकॉज ये बहुत ही सुंदर लग रहा है. मैं आपको ये दूसरी बालकनी से दिखा दूंगी बड़े वाले, पर मैंने वहाँ पर लाइट्स नहीं लगवाए. तो नाउ लेट्स गो टू माई रूम. और मैं ध्यान से चल रही हूँ कि मेरा पैर रंगोली पे ना आ जाए. एंड दिस इज़ माई मंदिर और इसमें अभी हमने भगवान को वो स्वीट्स एंड फ्रूट्स वो सब और इसे पूरा डेकोरेट कर दिया विथ रेड लाइट. एंड लुक एट दिस, माई रूम इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल. जब से मैंने ये लगाया है येलो कलर, मीन्स एक्चुअली बहुत बड़ी कहानी है, मैं आपको बता देती हूँ स्टिल कि मेरे पास ना ये देखिए येलो लाइट्स थे, फिर ये जो लाइट्स थे मैंने उसको लगाया एंड फिर ये जल रहे थे. बट आफ्टर 2-3 मिनट्स ये बंद हो गए. तो फिर मैं बहुत गुस्सा आया, फिर मेरे पापा मम्मी गए शॉप में बोलने के लिए, तो फिर वो और लड़ने लगे. मीन्स लोगों को लगेगा ना कि हमने यूज़ करके दे रहे हैं डॉल एक साल पुराना, बट हमने ख़रीदा था एंड उसके बाद एक और येलो खरीदा तो हमने वो निकाल के यहाँ पर लगा दिया जो हमने बालकनी में लगाया था. फिर ये बहुत सुंदर लग रहा है. ये मैंने अभी लाइट ऑफ कर दिया है एंड नाउ द लाइट इज़ ऑन, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है. पर मुझे लगता है कि लाइट ऑफ में बहुत ही अच्छा लुक लग रहा है, इसलिए मेरे को इधर मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठी हुई थी क्योंकि मुझे इसको देखने में बहुत मज़ा आ रहा था. एंड ये देखिए ओवरऑल लुक. यहाँ पे हमने रेड लाइट लगाया है.
ये रहा हमारा बालकनी, इसको हमने डेकोरेट नहीं किया है, ये पूरा वैसे ही है। और मैं बता देती हूँ फिर से कि ये हमारा खुद का घर नहीं है, इसलिए इसमें एज इट इज़ जो हमें मिलता है हमें उसी में रहना होता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट मीन्स ऑलमोस्ट नहीं, सबके घर सेम ही है, फ्लैश ऑन है, फिर भी जैसे देखे जाओगे देखिए ऑलमोस्ट जब भी जितने भी बिल्डिंग्स है ये सारे सेम, मतलब सबको जैसे सबको सेम रूम मिला है, तो मतलब कि सब लोग का सब कुछ सब कुछ सेम है, तो फिर इसलिए ऐसा है। वरना तो यहाँ पे हमने भी मेट से क्लीन करवाया था पर फिर बारिश हुई तो ख़राब हो गया ये, और यहाँ हमने लाइट्स नहीं लगवाए। तो मैं आपको उस बिल्डिंग के बारे में कह रही थी कि कितना सुंदर बिल्डिंग है, यहाँ पे आपको थोड़े से दिख रहे होंगे दिवाली लाइट, सॉरी दिया, आई मीन टू से दिया। एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट लोगों ने नहीं लगाया लाइट्स इस बिल्डिंग में, मीन्स हार्डली शायद एक ने लगाया, हाँ एक ने लगाया बस, एंड बाकी सब ने दिया से किया, बट दिया इज ऑल्सो लुकिंग रियली प्रिटी। एंड ये रहे मेरे मम्मी मम्मी, क्या आग लग गया? फ्रेंड्स अभी आपने आवाज़ सुनी थी, क्योंकि पता है मेरे पर इतना बड़ा सा कीड़ा आ गया था एंड उसकी वजह से मुझे डर लग गया, मीन्स ओह मैं इस इन कीड़ों से बहुत डरती हूँ, मुझे कीड़े से डर लगता है। अब ये मत जज करो तुम कितनी वीक हो एंड ऑल की, तो उसमें सबको होता है हर चीज़ से डर, किसी ना किसी से डर लगता है, तो इसलिए। एंड ये आवाज़ तो दिवाली के दिन होनी है, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू स्पीक लाउडर, तो इसलिए मैं चिल्ला रही थी। मम्मी मुझे मुझे एक्चुअली मुझे डॉगी से भी डर लगता है, तो सुबह चलाने लग चिल्लाने लग जाती हूँ मम्मा मम्मा, और मुझे बहुत डर लगता है एक्चुअली में डॉगी से, और कीड़ों के साथ सेम है एक्चुअली। पर मुझे ये मत समझिएगा कि डरपोक है, एंड नेवर स्प्रेड नेगेटिविटी। एंड मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, पर जो होना था वही हुआ, व्हाट कैन वी डू। और अभी मेरे तीनों भाई यहाँ पे हैं, तीनों के तीनों ने कुर्ता पहना है। डिनर टाइम, अभी डिनर टाइम है, अभी हम लोग खाना खा रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमने अपना डिनर कर लिया है और मैंने अपना ड्रेस चेंज कर लिया है, और मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, जो कि मैंने आपको जब मैं व्लॉगिंग कर रही थी तो मैंने आपको एक बार कहा था कि जो हम लोग डिनर कर रहे थे तो मैंने आपको दिखाया था, और जब हम लोग पटाखे जला रहे थे तो हमने ये भी कहा था कि देखिए मेरे तीनों भाई, तो आप सोचोगे कि ये तीसरे कौन है। तो एक्चुअली मैं आपको ये बताना भूल गई थी, मैंने जब जब से वो आए हैं मैंने व्लॉग नहीं बनाया था एक्चुअली में, और ऑफ है मेरे को याद भी नहीं रहा कि मेरे को आपको इंट्रोड्यूस करवाना है उनसे, तो मैं भूल गई थी। और फिर मैंने जब देखा तो मुझे याद आया कि अरे हाँ मुझे बताना है, तो वो मैंने वो कैमरा फ्रेंडली नहीं इसलिए वो इतने कैमरा में नहीं आते, और मैंने उनको दिखाना भी भूल गई थी वैसे एक्चुअली में। और वो मेरे बुआ के बेटे हैं, और वो मेरी छोटी बुआ के बेटे हैं, वो दिल्ली में पढ़ते हैं, तो उनके भी हॉलीडेज थी दिवाली की, तो वो सोचे कि सबसे मिल ले, तो भी वो दिल्ली में थे, फिर यहाँ पे दिल्ली में मेरे जैसे कि बुआ बड़ी वाली बुआ है उनके पास गए थे मिलने, फिर हमारे पास, फिर अपने बड़े भाई से मिलने जाएंगे, तो दिवाली के 2-3 दिन तक रहेंगे, कि वो सबसे मिलना चाहते थे। वैसे वो रक्षाबंधन में आने वाले थे पर फिर उनका एग्ज़ाम हो गया तो वो नहीं आए, तो उन्होंने सोचा कि वो अभी आ जाए, तो इसलिए वो आए थे। और फिर हमने बहुत मस्ती भी की थी, और कुछ दिन पहले आए थे और अभी भी हैं वो, और हमने उनका पूरा टाउनशिप भी घुमा दिया है, और हमने उतने पटाखे नहीं जलाए क्योंकि क्या हुआ था कि मेरे पापा मम्मी आज भी शॉपिंग गए थे अराउंड 11 o'clock के आसपास, और क्योंकि कुछ सामान खरीदना था आज दिवाली के दिन भी, तो फिर वहाँ पे जब वो गए तो वहाँ पे पटाखे खरीदने जब वो गए तो फिर ऑलमोस्ट पटाखे नहीं थे, बस फुलझड़ी वो सब थे, तो इसलिए वही सब लेके आए, ज़्यादा कुछ था नहीं, पटाखे कहीं मिल ही नहीं रहे थे, मतलब 2-3 दुकान थे मम्मा के आए थे छोटे छोटे वहाँ पे थोड़े थोड़े मिल रहे थे, तो या तो ऐसा होगा कि जैसे कि बैन हो गया तो बहुत कम दुकान थे और उन कम दुकानों में लोगों ने पहले ही खरीद लिया, हम लोग लेट थे, और मेरी मम्मा कहती थी बहुत भीड़ थी इसलिए मम्मा कुछ ही सामान लेके आ पाई, और मेरा भाई को एक गन चाहिए पटाखों वाली, तो फिर वो भी लेके आए थे,
और वैसे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इसलिए नहीं रख रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि पॉल्यूशन हो जाएगा। वैसे यहाँ पे इतना पॉल्यूशन तो नहीं है, पर अगर पटाखे जलेंगे तो पॉल्यूशन तो होगा ही, इसलिए कम सब लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट लोगों ने बहुत कम खरीदे थे। और अगली बार से तो मुझे लगता है कि वो भी नहीं होगा और शायद रावण भी नहीं जलेगा। और मेरा एक और चैनल है मिस भार्गव वाला, उसमें मैंने अभी दिवाली का वीडियो डाला है टाइप्स ऑफ फ्रेंड ड्यूरिंग दिवाली, तो उसे भी बहुत ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने अपनी सिस्टर के साथ, कज़न सिस्टर के साथ बनाया है, तो हाँ होप आपको वो वीडियो अच्छा लगेगा और उस चैनल को भी सपोर्ट करिएगा और उसमें भी मेरे सारे वीडियोज़ देखिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसे भी अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और इसे एक थम्स अप दीजिएगा। तो हम लोग ने अच्छे से दिवाली मनाई और होप आप लोगों ने भी अपनी दिवाली अच्छे से मनाई होगी और आपने भी बहुत मस्ती की होगी, रंगोली बनाई होगी, अपने रिलेटिव से मिले होंगे और बहुत ही मस्ती की होगी और होप आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ एंड बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।